जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, अगर आपके पास Realme 8 डिवाइस होगी तो उसमें 8.24 का एक अपडेट आया है। इस वीडियो में इस अपडेट का जो है सारा रिव्यू करने वाले हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपडेट है 650 MB का, इसका स्क्रीनशॉट मैंने पहले ही लेके रख लिया था। एंड इसी अपडेट के बाद आपको Realme UI 3.0 का अपडेट मिलेगा। एंड जिन लोगों को ये अपडेट नहीं मिला है Realme UI 3.0 का, कब तक अपडेट मिल सकता है, सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों अपडेट जो है मैंने कर लिया है अपने Realme 8 डिवाइस में। 650 MB का ये अपडेट था, 8.24 वाला। एंड अपडेट में आपको जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे एक इशू था व्हाट्सअप का इमेज अपलोडिंग का, उसे यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों सिस्टम परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। एंड जो रिक्वायरमेंट थी Realme 3.0 की 8.24 अपडेट थी। अगर आपके डिवाइस में 8.24 अपडेट है तो उस अपडेट को करने के बाद यहाँ पे अगर ट्रायल वर्जन में आप जाते हो तो आपको Realme 3.0 का अपडेट मिलना था। अब इस डिवाइस में देख सकते हो मेरी अपडेट नहीं मिल रहा है। आपके साथ भी यही हो रहा होगा, 8.24 अपडेट मिलने के बाद भी आपको Realme 3.0 का अपडेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट बैच थी उसमें जो सीटें लैप्स हो चुकी है, बहुत ही कम लोगों के अपडेट मिला है। क्योंकि जब Realme ने ये सीटें अलॉट की थी तो यहाँ पे 8.24 अपडेट बहुत कम लोगों को मिला था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अभी 1 वीक तक का हमें वेट करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे अपडेट मिल सकता है। इस अपडेट में 8.24 अपडेट में यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ़ोन मैनेजर ऐप है, मैं नई वाली यूज़ कर रहा हूँ। ये जो फ़ोन मैनेजर ऐप है इसमें सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन ये जो अपडेट है, जो वर्ज़न है, ये कलर ओएस 12 का है। यहाँ पे आप देख सकते हो Realme 3.0 में भी आपको यही फ़ोन मैनेजर ऐप मिलने वाला है। एंड जो गेम स्पेस है आप देख सकते हो 6.13 वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस गेम स्पेस में आपको वॉइस चेंजर वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये सारी जो ऐप्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों फटाफट से एंटीटू बेंचमार्क स्कोर भी चेक करें। थे लास्ट वाला जो अपडेट था 8.22, उसमें जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर था 357,000 के आसपास था। चलिए देखते हैं 8.24 में एंटीटू बेंचमार्क स्कोर क्या आ जाए। दोस्तों, मैं एंटीटू बेंचमार्क स्कोर इसलिए रनिंग करके दिखाता हूँ क्योंकि कई लोग जो है स्क्रीन शॉट ले लेते हैं जो कि एंटीटू बेंचमार्क स्कोर उस डिवाइस का नहीं रहता है। बट यहाँ पर मैं क्लियरली रनिंग करके बताता हूँ कि भैया यही डिवाइस का एंटीटू बेंचमार्क स्कोर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर निकल के आया है 8.24 का, वो आया है 358,000 के आसपास। पहले 357 था, 58 है, 1,000 का जो है एंटीटू बेंचमार्क स्कोर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बात करें दोस्तों कैमरा सेगमेंट में, तो इस अपडेट के बाद कैमरा जो है एज इट इज़ ही है, कोई फीचर्स यहाँ पे नहीं मिलते। बट जो कैमरा हमारी फ़ोटोज़ पहले से ले रहा था वैसे ही फ़ोटो यहाँ पे आती है। बट Realme UI 3.0 में अगर आप अपडेट करते हो तो कैमरा जो है डाउनग्रेड हो सकता है, क्योंकि बीटा अपडेट में बहुत सारे बग्स रहते हैं। इसलिए अगर आपको कैमरा ज़्यादा प्यारा है तो अपडेट तभी करिएगा जब स्टेबल अपडेट आ जाए, क्योंकि बीटा अपडेट में आपको बहुत सारे इशूज़ बग्स मिल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों 8.24 में जो कैमरा है काफ़ी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे वर्क कर रहा है। इस अपडेट के बाद स्मूथ और अल्ट्रा सेटिंग में जो कि इसमें मिलती है Realme 8 में हाईएस्ट सेटिंग, उसमें मैंने यहाँ पे BGMI बैटरी ट्रेनिंग टेस्ट भी किया है। लगभग आधा घंटा हमने यहाँ पे BGMI बैटरी ट्रेनिंग टेस्ट किया है। एंड जो बैटरी ट्रेनिंग हुई है आधा घंटे में वो 8 से 9% थी। मीन्स दोस्तों उसके हिसाब से ठीक ही है। बट अगर आप Realme UI 3.0 में जाते हैं तो चार्जिंग स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो सकती है और बैटरी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है, क्योंकि बीटा अपडेट में बग्स रहते हैं, आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं है तो यहाँ पर बीटा अपडेट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे बग्स का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों बीटा अपडेट जो है Realme UI 3.0 का सेकेंड बैच हमें 1 वीक के अंदर अंदर मिल सकती है। उसकी रिक्वायरमेंट 8.24 अपडेट है, जो कि आपको अभी मिल चुका होगा। जिन जिन लोगों को 8.24 अपडेट मिला है एंड बीटा जो अपडेट जो है Realme UI 3.0 का नहीं मिला है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। दोस्तों, अगर आप इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह से लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। एंड ओप्पो और रियलमी से रिलेटेड सिस्टम ऐप अपडेट के लिए सबसे पहले ओप्पो रियलमी सिस्टम ऐप ग्लोबल ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सिस्टम ऐप के अपडेट मिलते रहें। वैसे दोस्तों जो Realme UI 3.0 का अपडेट है उसके लिए आपको ट्रायल वर्जन जरूर से चेकआउट करते रहना है। वैसे जब भी इन्फॉर्मेशन लिखती है मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए, वंदे मातरम।